हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सवाल संडे, जहां पर आप मुझे पूरे वीक कुछ क्वेश्चंस भेजते हैं और मैं उसके जवाब देता हूं। कोशिश करता हूं मैं कुछ सारे क्वेश्चंस कवर करूं। ड्यूरिंग दिस वीक भी मुझे पीजीवीपी और कैपिटल गेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिले। कुछ के जवाब मैंने डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ही दे दिए क्योंकि वो बहुत सिंपल और छोटे क्वेश्चंस थे। कुछ मैंने यहाँ के लिए पिक किए हैं, तो लेट्स जंप इनटू क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज कमिंग फ्रॉम दीपक। हाय दीपक। दीपक का क्वेश्चन है, क्या प्लांट एंड मशीनरी और मोटर कार कवर्ड अंडर सेम ब्लॉक ऑफ 15%? द आंसर इज येस। देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन क्यों आया होगा दीपक का, क्योंकि उसने कुछ बुक्स में देखा होगा कि प्लांट एंड मशीनरी या कुछ क्वेश्चंस में भी कि प्लांट एंड मशीनरी 15% का अलग ब्लॉक बनाया है और मोटर कार का 15% का अलग ब्लॉक बनाया है। बट इफ आई आंसर दिस क्वेश्चन वेरी प्रैक्टिकली, जब हम कोई रिटर्न फाइल करते हैं, जब वेन एवर वी फाइल एनी रिटर्न, कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है 15% का। आप प्लांट एंड मशीनरी में दो ब्लॉक सेम रेट के या किसी भी कैटेगरी ऑफ असेट्स के सेम रेट के दो ब्लॉक नहीं क्रिएट कर सकते। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन, एक ही ब्लॉक में आना चाहिए प्लांट मशीनरी और मोटर कार 15% का अगर रेट है तो एक ही ब्लॉक में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में। आपको पता है कि मोटर कार के ऊपर 15% रेट है, अनलेस एंड अंटिल वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में या फिर हायर बिजनेस में यूज नहीं हो रही है। अगर किसी का नॉर्मल बिजनेस है, कंप्यूटर्स का बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है, बाकी चीजों का बिजनेस है, और वो कोई मोटर कार परचेस करते हैं, तो दे हैव टू डेप्रिशिएट एट अ रेट ऑफ 15%। तो हम लोग जो बाकी 15% का प्लांट मशीनरी का ब्लॉक है, मोटर कार को भी उसी ब्लॉक में रखें। देर इज नो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट ब्लॉक। आप बनाना चाहे बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट रिलेवेंट। तो मैं कहूंगा कि आप एक ही ब्लॉक बनाइए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम कुणाल नारवानी। हाय कुणाल। सर, इम्पोर्ट लाइसेंस से इम्पोर्ट ड्यूटी माफ होते हैं क्या और वो टैक्सेबल होते हैं क्या पीजीबीपी में? ओके, कुणाल इज आस्किंग अबाउट इम्पोर्ट लाइसेंस। इम्पोर्ट लाइसेंस हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 28 पीजीबीपी में। वहां पर इम्पोर्ट लाइसेंस के बारे में मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल, ये इम्पोर्ट लाइसेंस होता क्या, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन एक्सपोर्टर, आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, और लेट से आपने एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का, पूरे साल आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करा, तो आप एक्सपोर्टर तो हैं, आपका बिजनेस भी है, आप इकोनॉमी में भी मदद कर रहे हैं एक्सपोर्ट करके, उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इम्पोर्ट लाइसेंस दे देती है। वो कहती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है इस साल, सो वी आर गिविंग यू इम्पोर्ट लाइसेंस। आप 50 लाख का मटीरियल अगर इंडिया के बाहर से खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, यू डोंट हैव टू गिव कस्टम ड्यूटी अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है फ्री में। फ्री में क्यों दिया? क्योंकि हमने इकोनॉमी की मदद करी। अब प्लीज बताइए, जब वो इंपोर्ट लाइसेंस हमें मिलता है, कोई भी चीज फ्री में मिलती है अगर हमें, तो हम क्या एंट्री करते हैं अपनी बुक्स में? तो वी डोंट पास एनी एंट्री। जब इंपोर्ट लाइसेंस मिला तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते। मैंने ये पीजीबीपी में बताया था कि जब इंपोर्ट लाइसेंस को आप सेल कर दें, बिकॉज ये नेगोशिएबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, आप सेल कर सकते हैं इसको, तो कोई चीज़ हमें फ्री में मिली, और फॉर एग्जांपल ये इंपोर्ट लाइसेंस था कि हम 50 लाख तक की वैल्यू की चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर शायद इम्पोर्ट ड्यूटी, लेट से मैं मोटा मोटा 10% ले लेता हूँ, 5 लाख रुपये लगती, बट आपको अब कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो दिस इम्पोर्ट लाइसेंस विच यू हैव रिसीव्ड इज ऑलमोस्ट वर्थ ₹5 लाख, बट आपको फ्री में मिल गया, आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्या आपकी इनकम हो जाएगी जब ये मिलेगा? द आंसर इज नो, आपकी कोई इनकम नहीं है। बट अगर आप इसको बेच देते हैं, ठीक है, लेट से आप इसको बेच देते हैं 4 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, वट एवर इट इज, तो जब जो पैसे आपको मिलेंगे दैट इज योर बिजनेस इनकम। ठीक है, कुणाल का क्वेश्चन ये है कि सर, इम्पोर्ट ड्यूटी तो माफ है, मान लेते हैं हम इसको बेचते नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी माफ है, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी माफ हो गई है, द अमाउंट विच आई डोंट हैव टू पे नाउ, तो क्या वो भी टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो, वो टैक्सेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 लाख की कोई चीज़ें इम्पोर्ट करी हैं, उसके ऊपर 5 लाख की ड्यूटी होती बट आपने दी नहीं है, तो आपकी कॉस्ट सिर्फ 50 लाख की आई है, 5 लाख का आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है कुणाल, आई सपोज आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम तरुण आहूजा। हाय तरुण। What is a keyman insurance policy and how it is treated? Okay, keyman insurance is again section 28 में मैंने discuss किया था।
की मैन का मतलब होता है कि एनी पर्सन हु इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. वो कोई एक डिसीजन मेकर हो सकता है, वो एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है, एनी पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बिना आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलेगा. तो हम लोग इस की मैन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं बिजनेस. बिजनेस कहता है कि दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी और मैं इसके लिए इंश्योरेंस करा लेता हूँ. उसकी प्रीमियम कौन पे करेगा? कंपनी. कंपनी पेज इट्स प्रीमियम ऑल्सो. कंपनी वो अपना एक्सपेंस क्लेम करती है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस जो प्रीमियम पे कर रही है. अब जब इससे पैसा मिलता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बीच में पॉलिसी सरेंडर कर दी या फिर पॉलिसी मैच्योर हो गई और हमें इसका पैसा मिला है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? थोड़ा सा मैं और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में. एक्चुअली की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से काफ़ी अच्छा नाता है. एक कंपनी है जिसका नाम है, सब लोग जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज. मिस्टर धीरूभाई अंबानी, लेट श्री धीरूभाई अंबानी, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, ही इज़ अ वेरी डेयरिंग गाय. उन्होंने क्या किया था, ही वॉज अ की मैन ऑफ रिलायंस. वो की मैन थे, ही इज ट्रीटेड एज एन, वो कहते थे कि मैं रिलायंस से कोई सैलरी वगैरह नहीं लूँगा, बट ही वॉज अ मेन डिसीजन मेकर, ही वॉज अ की मैन. तो रिलायंस ने उनके लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई और उसका प्रीमियम पे करती थी. लेट से मैं एक छोटा सा अमाउंट ले लेता हूँ, 10 लाख रुपए. तो 10 लाख रुपीज का प्रीमियम पे करा रिलायंस ने. दे हैव क्लेम्ड इट्स एट एज एन एक्सपेंस. 10 लाख का एक्सपेंस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का फिर प्रीमियम 10 लाख पे करा, एक्सपेंस ट्रीट कर लिया. 3 साल का 4 साल का 5 साल का, 5 साल के बाद ये पॉलिसी को सरेंडर करा दिया. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है बट स्पेशल नाम दिया हमने इसको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज कंपनी ने अपने की पर्सन के लिए कराई है ये पॉलिसी. तो जब इसका पैसा मिलता था लाइफ इंश्योरेंस का, तो देर इज अ सेक्शन 10, आप जानते हैं सेक्शन 10 एग्जम्प्ट इनकम का होता है. अगर मैं स्पेसिफिकली बातें करूंगा तो सेक्शन 10 डी में लिखा हुआ है कि जब आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो दैट इज एग्जम्प्ट. तो रिलायंस यहां पर क्या टैक्स प्लानिंग तो नहीं कहूंगा, टैक्स अवॉइडेंस क्या कर रही थी? प्रीमियम पे कर रही थी 10 लाख 10 लाख 10 लाख हर साल, और वो एक्सपेंस क्लेम कर रही थी. और 4-5 साल के बाद जब इसकी सरेंडर वैल्यू भी ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास थी, इसको सरेंडर करा दिया और धीरूभाई अंबानी को पैसा दे दिया. और धीरूभाई अंबानी को जो पैसा मिल रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस का मिल रहा है, एंड दैट इज एग्जम्प्ट. तो यहां पर ये लॉ बनाया, नहीं सर ये एग्जम्प्ट नहीं हो सकता. यहां पे तो रिलायंस 10 लाख, तो मैंने एक बहुत छोटा अमाउंट लिया प्रीमियम का, वो तो बहुत ज्यादा प्रीमियम था. तो यहां पर ये लॉ बना कि जब की मैन इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा. और इसीलिए सेक्शन 10 डी को अमेंड भी किया गया. वहां पर लिखा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जब पैसा मिलता है तो दैट इज एग्जम्प्ट एक्सेप्ट की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा. तो अब वो पैसा जब धीरूभाई अंबानी को मिलेगा तो दिस विल बिकम टैक्सेबल, और अगर वो इंप्लॉई हैं तो उनके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी इनकम. अगर धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि नहीं नहीं ये मुझे पैसा नहीं चाहिए, किसी और को दे दीजिए, मेरी फैमिली मेंबर को, तो वी अंडरस्टैंड इट इज IFOS की इनकम. और अगर कंपनी खुद रख लेती है ये पैसा तो दिस इज टैक्सेबल एज PGBP इनकम. टू आंसर तरुण क्वेश्चन, व्हाट इज अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, समझ गए इट्स अ इंपॉर्टेंट पर्सन, उसके ऊपर हम पॉलिसी कराते हैं. And how it is treated, it is fully taxable. Company को खुद मिल जाएगा पैसा तो PGBP, employee को मिलेगा तो salary, किसी तीसरे person को मिलेगा, उसके family members वगैरह को, तो IFOS की income होगी. Okay, coming to fourth question, which is coming from Roshan Kumar Chaudhary. Hi Roshan. Is AC covered under plant machinery? हाँ जी बिल्कुल, AC covered होता है plant machinery में. And if installed in factory, then additional depreciation will be allowed. ओके, द क्वेश्चन हियर इज, हम लोग जानते हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलता है अगर वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपनी फैक्ट्री में. तो अब क्योंकि AC इज अ प्लांट एंड मशीनरी, और अगर वो फैक्ट्री में इंस्टॉल हुआ है तो येस एडिशनल डेप्रिसिएशन उस AC पर भी मिलेगा इफ इट इज इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री एंड इफ द AC इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो द आंसर इज रोशन, द आंसर इज येस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम AKS. ओके, हाय AKS सर, नमस्ते. नमस्ते, सेक्शन 45(5)A में आपने इंडेक्स 45(5)A होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का. सेक्शन 45(5)A में आपने इंडेक्सेशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड ईयर का लिया है, लेकिन
कुछ टीचर्स डेवलपर्स को राइट ट्रांसफर ईयर दैट इज ईयर ऑफ पोजेशन हैंडेड ओवर का इंडेक्सेशन ले रहे हैं, क्या माने सर? ओके, द क्वेश्चन इज अबाउट, मैं थोड़ा सा रीफ्रेस कर देता हूँ ये क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अबाउट 45(5)(a) जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का. जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप जानते हैं कि होता है कि कोई भी असेसी जिसके पास लैंड है या कोई पुराना घर है, वो ये घर या लैंड बिल्डर को दे देता है और बिल्डर इसको कंस्ट्रक्ट करता है. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर माना गया है. और बिल्डर बदले में उनको कंसिडरेशन देता है, कुछ एक दो रेसिडेंशियल यूनिट तैयार करके दे देता है और प्लस कुछ पैसे दे देता है. तो सेक्शन 45(5)(a) स्पेसिफिकली इंडिविजुअल और HUF के लिए आया. इन्होंने कहा कि जब कोई भी इंडिविजुअल अपना जगह लैंड वगैरह ट्रांसफर करता है बिल्डर को, उस समय हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे. हम कैपिटल गेन अराइज करेंगे उस साल जब उसको बिल्डर से कंसिडरेशन मिलती है. जब बिल्डर से कंसिडरेशन मिलती है उस साल हम कैपिटल गेन लगाएंगे. ठीक है, अब वहां पर ये लिखा है इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन इन द ईयर व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब वहां का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है. तो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, अगर मैं 45(5)(a) की लीगल लैंग्वेज पढ़ता हूं तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब इसको ट्रांसफर माना गया, इसलिए मैंने ट्रांसफर कंप्लीशन सर्टिफिकेट की भी ली है. अब टू गोइंग इन डिटेल फर्दर, जब मैं स्टडी मटेरियल भी देखता हूँ, इंस्टीट्यूट का ICI का स्टडी मटेरियल जो इसके बारे में कि इंडेक्सेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक का करें या जब ये प्रॉपर्टी हैंडओवर करी है हमने डेवलपर को तब तक का करें, इसके बारे में ICI साइलेंट है. वहाँ की स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं लिखा है. मैं दूसरे इंस्टीट्यूट का ICWI का रेफर करता हूँ स्टडी मटेरियल, तो वहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हम लोग इंडेक्सेशन बेनिफिट देंगे अप टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड होता है. तो मैं अपना बेस ले रहा हूँ लीगल लैंग्वेज पर प्लस ICWI की स्टडी मटेरियल पर, और आपको इंडेक्सेशन करना है जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है. ठीक है, AKS. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनुश्री. हाय अनुश्री, वेल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन इनहांस कंपनसेशन, कैपिटल गेन इनहांस कंपनसेशन याद आता है आपको? ओके, जब इनहांस कंपनसेशन मिलेगी तभी भी कैपिटल गेन बनता है और कॉस्ट जीरो ली जाती है. तो लिखा हुआ है वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन इनहांस कंपनसेशन डिडक्टेड लिटिगेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम टू ऑब्टेन द इनहांस कंपनसेशन, असेसिंग ऑफिसर कंटेंटेड दैट लिटिगेशन एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल, इज इट वैलिड? ओके, क्वेश्चन है, मैं रिफ्रेस कर देता हूँ. क्वेश्चन ये है कि असेसी का कोई भी कैपिटल असेट कंपल्सरी एक्वायर हुआ और उसको कंपनसेशन मिल गई, बाद में उसने इनहांस कंपनसेशन के लिए क्लेम करा और उसके कुछ लिटिगेशन एक्सपेंसेस, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हुए, क्या वो लीगल एक्सपेंसेस जब भी वो, हमें पता है इनहांस कंपनसेशन मिलता है तो कैपिटल गेन दोबारा से अराइज करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जीरो मानते हैं, बट क्या जो उसने लीगल एक्सपेंसेस करे हैं, जो लीगल लिटिगेशन एक्सपेंसेस करे हैं, वेदर दे आर अलाउड और नॉट, द आंसर इज दे आर अलाउड, वो अलाउड होते हैं. शायद मैंने अपनी किसी एक वीडियो में इसको शायद डिसअलाउ माना है, तो प्लीज वहां पर रेक्टिफाई कर लीजिएगा, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड. तो क्या असेसिंग ऑफिसर की कंटेंशन सही है? द आंसर इज नो, असेसिंग ऑफिसर की कंटेंशन सही नहीं है. ये एक्सपेंसेस अलाउड होने चाहिए एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट सवाल संडे में मिलते हैं, नेक्स्ट संडे को. और प्लीज इस हफ्ते आप पोस्ट कर सकते हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और कैपिटल गेन के भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पोस्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर पोस्ट कीजिए, टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब कमेंट्स में. और आप एक बार पोस्ट करके क्वेश्चन छोड़ दिया कीजिए, योर क्वेश्चन विल बी टाइमली आंसर्ड या तो सवाल संडे की वीडियो में या एज एन व्हेन आई एम फ्री. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर.